साथियों 57वां दिन किसान आंदोलन का है और इस 57वें दिन किसानों के साथ जो एक और सरकार की जो वार्ता थी वो वार्ता तो हुई लेकिन उस वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकल पाया। अब तक NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार सांसदों के अलग अलग नेताओं के किसान आंदोलन के खिलाफ आने वाले बयानों के बीच क्या सरकार वाकई झुक गई है, उन्होंने किसानों के सामने हाथ तक जोड़ लिए। जी हाँ, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि अब बस कीजिए, सरकार 1.5 साल तक कानून को होल्ड पर रखने को तैयार है। MSP को लेकर भी एक बाकायदा कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही सरकार ने यहां तक कहा कि आप हमारी बात पर यकीन मत करिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर हलफनामा भी दे देगी। मतलब देश के गणतंत्र के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलेगी या नहीं, आंदोलन समाप्त होगा नहीं होगा, इस पर अभी संशय बरकरार है क्योंकि किसानों के सामने सरकार का प्रस्ताव गया है। अब सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान 22 जनवरी को फैसला लेंगे। एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ किसानों द्वारा लगातार मौत को गले लगाने का सिलसिला रुक नहीं पा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर दो और किसानों की मौत हो गई। एक बुजुर्ग किसान धन्ना सिंह की बुधवार को मौत हुई, वहीं 42 साल के किसान जय भगवान राणा की भी मौत हो गई। रोहतक जिले के रहने वाले राणा ने मंगलवार को सल्फास खा ली थी, वो टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल थे। राणा ने सुसाइड नोट में लिखा, अब यह आंदोलन नहीं रहा बल्कि मुद्दों की लड़ाई बन गया है। यही नहीं, इसके अलावा किसानों ने अपना एक और विरोध दर्ज कराया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनसे साफ शब्दों में कहा कि NIA की कार्रवाई भी गलत तरीके से की जा रही है। आखिर किसान संगठनों को सरकार क्यों डरा रही है?